अम्मी कहती थी तहज्जुद में मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं जाती। मुकद्दस दुआओं से तकदीरें नहीं बदला करती, शायद हमारा साथ यहीं तक लिखा था। नहीं हरीश, जब अल्लाह पर यकीन हो और दुआएं सच्चे दिल से मांगी जाए तो अल्लाह तकदीरें भी बदल देते हैं। आप देखिएगा सब कुछ ठीक है। मेरे अल्लाह, तेरी ये गुनाहकार बंदी तेरी बारगाह में हाजिर है। आज के दिन इस घड़ी तक मैंने जितने गुनाह किए तू सबसे बेहतर जानता है। मेरे सब गुनाहों को माफ कर दे मेरे अल्लाह। मेरे माँ बाप के, मेरे इर्द गिर्द के सब लोगों के गुनाह को माफ कर दे मेरे अल्लाह। हम सबको सिर्फ अपने सामने झुकने और सिर्फ तुझसे मदद मांगने की तौफीक अता फरमाया मेरे रब। बेशक सब कुछ तू ही करता है और जो तू करता है वो सही करता है। हम सब जिस मुश्किल, जिन मुसीबतों से गुजर रहे हैं या मेरे रब, हमारे उन गुनाहों को माफ कर। आमीन। अल्लाह ताला के आगे कोई बंदा बड़ा छोटा, गरीब अमीर, काला गोरा नहीं है। अल्लाह के नजदीक उसका हर बंदा बराबर है। वो सबसे प्यार करता है, वो सबकी सुनता है। लेकिन जब हम पाकीज़गी इख्तियार करके अल्लाह ताला के बारगाह रहमत में सजदा रेज होते हैं तो इससे ज्यादा खूबसूरत हम कलामी अल्लाह के नजदीक कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए नमाज पढ़ो, अल्लाह के आगे सजदा करो और अपने गुनाहों से तौबा करो। सिर्फ तौबा ही नहीं, अपने गुनाहों से शर्मिंदा भी। बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला सबसे बड़ी जात, उसके मुकाबल को। या अल्लाह, मेरी बेटी से ऐसी क्या खता हो गई कि तू राजी नहीं हो रहा। उसके नसीब पर रश्क करने वाले आज उसकी किस्मत पर आह भरते। इतनी मोहब्बतों के बाद इतनी नफरतें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है मेरे मालिक। या अल्लाह, वो मासूम बेगुनाह है, उसे माफ फरमा दे, उसे बरी कर दे सारे बोहतानों से, सारे इल्जाम से। उसे पहले जैसी इज्जत और मोहब्बत नसीब फरमा मेरे मौला। उसे माफ कर दे या रब्बुल आलमीन, उसे आजमाइश से निकाल दे। बेशक तू सबसे बढ़कर माफ करने वाले है, तो बंद दे मेरी बच्ची को।